आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट खबरों से। किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कमिटी वाले फैसले पर भी किसान संगठन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने लोहड़ी पर कृषि कानून की कॉपियां जलाई और आंदोलन को तेज करने की अपील की है। इसी बीच कल सरकार के साथ तय हुई किसानों की बैठक को लेकर आज किसान संगठन अहम बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। आप प्रवक्ता राघव चड्ढा का कहना है कि किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की शक्ति केंद्र की मोदी सरकार के पास है, कोई पैनल इसे वापस नहीं ला सकता है। राघव चड्ढा ने कहा कि पीएम मोदी पर्दे के पीछे रहकर काम ना करें। हमारी मांग है कि पीएम किसानों के साथ कल होने वाली अगली बैठक में खुद आएं और तीनों कानूनों को रद्द करें। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत में आज त्योहार का दिन है। आज देश के अलग अलग कोने में मकर संक्रांति, पोंगल समेत कई त्योहारों को मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू समेत अन्य सभी त्योहारों की बधाई दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर लिखा है कि समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू और भोगी की हार्दिक शुभकामनाएं। तमिलनाडु में पोंगल के मौके पर जलीकट्टू की शुरुआत हो गई है। इसका आयोजन भी इस बार कोरोना गाइडलाइंस के साये में हो रहा है। तमिलनाडु में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद हैं। इस दौरान मोहन भागवत ने यहां चेन्नई के भी श्री कद्दूमड़ी मंदिर में पूजा की और पोंगल के जश्न को शामिल हुए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज तमिलनाडु के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वह मदुराई के अनवियापुरम में जलीकट्टू देखने के अलावा पोंगल उत्सव में भाग लेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी आज तमिलनाडु जाने का कार्यक्रम है। नड्डा पोंगल उत्सव में भी शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह कर्नाटक दौरे पर होंगे। बीजेपी के दोनों दिग्गज नेताओं के इस दौरे को दक्षिण में पार्टी के पैर जमाने की रणनीति के नजरिए से देखा जा रहा है। सीएम योगी ने मकर संक्रांति के मौके पर गोरखपुर में भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की। सीएम योगी ने कहा कि मैं पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की मिलावटी सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस ने वायरल वीडियो में गांधी परिवार के सदस्यों के बारे में अपजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाली क्षेत्रीय नेता कुंवर अली को पार्टी से निकाल दिया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के विधायक सोमनाथ भारती की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। कर्नाटक बीजेपी विधायक बसनगौड़ यत्नाल ने सीएम येदियुरप्पा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। जो भी ब्लैकमेल करता है या पैसा देता है उसे मंत्री बना दिया जाता है। लंबे समय बाद आखिरकार मध्य प्रदेश बीजेपी की कार्यकारिणी में बदलाव हो गया है, लेकिन इस दौरान संध्या समर्थकों से दूसरी बनाई गई है। नई कार्यकारिणी की सूची देखें तो पाएंगे कि इक्का दुक्का नेताओं को छोड़ टीम वीडी शर्मा में उनके अपने समर्थकों समेत शिवराज और नरेंद्र सिंह तोमर का सिक्का नेताओं के नाम चुनने में चला है। पिछली बार जहां कार्यकारिणी में 10 उपाध्यक्ष थे तो वहीं इस बार 12 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं 9 प्रदेश मंत्री की जगह अब की बार 12 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी आज मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में मुर्गियों के मरने के बाद अब खेत में कौए और कबूतर मरे मिले हैं। इसके चलते लोग दहशत में आ गए हैं। देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,05,12,093 हो गई है। वहीं कुल मरने वालों की संख्या 1,51,727 हो गई है।
पिछले 24 घंटे में 16,946 नए मामलों को दर्ज किया गया है। इसके अलावा कोरोना से पिछले 24 घंटों में 158 मरीजों की जान चली गई है। विदेशों से भारत लौटने वाले यात्रियों की जांच के लिए आज ये देश में एयरपोर्ट पर ही जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू होने जा रही है, नए कोरोना का पता चलेगा। बीजेपी नेता किरीट सोम्या ने धनंजय मुंडे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी नेता ने उन पर बच्चों, पत्नियों और संपत्ति की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी मांग की है कि मामले की सच्चाई का सामना आना चाहिए। मुच्छड़ पानवाला के मालिक रामकुमार तिवारी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और एनसीबी ने रामकुमार तिवारी को ड्रग डीलरों के साथ सांठगांठ के आरोप में गिरफ्तार किया है। आज से दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से 3 दिवसीय जांच अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसमें अनिवार्य एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर के बिना पाए गए गाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग की ओर से एचएसआरपी और कलर कोडेड स्टिकर के बिना पाई जाने वाली गाड़ियों पर 5,500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। जेवर में प्रस्तावित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक मेट्रो ले जाने का रास्ता साफ हो गया है। परियोजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार पैसा देने को तैयार है हुई है। दोनों सरकार करीब 1,050 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट को देंगी, बाकी करीब 450 करोड़ रुपए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपने हिस्से में के लिए खर्च करेंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण कार्य 15 जनवरी यानी कल से शुरू होगा। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से मैदानी राज्यों की तापमान में भारी गिरावट आई है। सबसे बुरा हाल जम्मू कश्मीर का है, जहां सर्दी के पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली में एक बार फिर कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से मुसाफिरों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। आज सुबह के वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। पालम इलाके में सुबह 6.2 डिग्री तो वहीं सफदरजंग में 2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। राजस्थान के फतेहपुर शेखवाटी में तो न्यूनतम तापमान माइनस में जा चुका है। वाराणसी और प्रयागराज में भी अधिकतम तापमान 20 डिग्री से कम ही दर्ज किया गया है। नए साल में सभी वाहनों के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे पर फास्टैग फरवरी से शुरू होगा। आईडीबीआई बैंक और जेपी इंफ्राटेक के बीच इस सिलसिले में करार होना है। इंसोल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रमोशनल ने यमुना अथॉरिटी को यह जानकारी दी है। हरिद्वार में लोहड़ी के पर्व की जोरदार धूम दिखी। इस अवसर पर एडवोकेट सतीश दुबे ने कहा कि सभी समाज के साथ हम सब ने मिलजुल कर लोहड़ी को मनाया है। गुंडलुपेट जामिया कमेटी को कमिश्नर के अधीन में सौंपा गया है। साथ ही वकफ सलाह समिति के महिदा को प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर चार्ज दिया गया है। यादगारी में धनलक्ष्मी ज्वेलरी दुकान के मालिक के बेटे की हत्या कर लड़के को किडनैप कर लिया है। दरअसल बदमाश दुकान पर ज्वेलरी खरीदने के बहाने आए थे। भालकी शहर में संस्कृत विभाग की ओर से बनाए जा रहे रंगमंच का विधायक ईश्वर खंडरे का जायजा लिया गया है। साथ ही भालकी रंगमंच के जल्द से जल्द लोकार्पण करने की बात भी कही गई है। रायचूरू में एक परिवार पर भूमाफियों ने हमला करने का मामला सामने आया है। वहीं मामले को लेकर पुलिस द्वारा नरमी बरतने का आरोप लगाया गया है। कासगंज में आरएसएस और अन्य हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए पदयात्रा निकाली। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। मंदिर और मेले की सुरक्षा के लिए एक अतिथि थाना और 7 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं। रामपुर में लगभग 9 दिन पहले हुई लूट के बाद महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं।
सादुलपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल में टेनिस बॉल ओपन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें बिजली विभाग 10 विकेट से विजय रहा। तारानगर में कोविड 19 टीकाकरण के पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें 20 लाभार्थियों को टीका लगाया गया है। धौलपुर में नगर परिषद में नवनिर्वाचित सभापति खुशबू चौधरी और उपसभापति माया शर्मा के लिए स्वागत समारोह रखा गया। धौलपुर में एक डॉक्टर के खिलाफ छेड़छाड़ का झूठा मामला दर्ज होने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जोधपुर की सेंट्रल जेल में 2 कैदियों के पास से मोबाइल की सिम बरामद हुई है, दोनों कैदियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया गया। जोधपुर में पिकअप की चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बूंदी में अवैध वेयरहाउस बनाने का मामला सामने आया है, पंचायत की शिकायत के बाद निर्माण पूरा हो गया है। जोधपुर में पुलिस ने अवैध हथकड़ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हथकड़ शराब बनाने में प्रयुक्त वास नष्ट की। फरीदाबाद के गांव में तेंदुआ घुस गया है, तेंदुआ कुत्ते का शिकार करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया है। फरीदाबाद में घर में दबे खजाना का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 तांत्रिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जोधपुर में पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। अथणी में टायर रिमोल्डिंग फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है। सूरजपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 कार और 1 बाइक सवार बरामद हुआ है। पूर्णिया में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, आरोपियों के पास से नकदी और मोबाइल बरामद हुआ है। पानीपत के ऐतिहासिक नगरी को जाम मुक्त बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाया, इस अभियान के लिए सड़कों पर 12 राइडर्स उतारे गए हैं। नागौर के मुंडवा अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर की मौत हो गई है, मौत की वजह अभी तक पता नहीं चली है। ऊना में जिला परिषद उम्मीदवार के लिए खर्च की गई अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपए कर दी गई है। साहिबगंज में डीसी रामनिवास यादव ने अवैध पत्थर माफियों पर शिकंजा कसा, डीसी ने छापेमारी कर 3 पोपलेन मशीन और 1 जेसीबी मशीन जब्त की है। चंबा में खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 1 गंभीर रूप से घायल हो गया है। कोलेगाल में गरीबों के घरों से बिजली संपर्क लाइन को काट दिया गया है, जिसके बाद किसान संगठनों के मुखिया ने बिजली विभाग के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। हमीरपुर में बीजेपी नेता प्रेम कुमार धूमल ने नवनिर्वाचित 5 पार्षदों को आशीर्वाद दिया, साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए सत्ता सेवा का साधन है। काशीपुर में पर्यटन और सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज ने करोड़ों रुपयों की योजनाओं का लोकार्पण किया है। शेयर मार्केट की शुरुआत गिरावट से हुई है, सेंसेक्स 49,432.83 के स्तर पर खुला है, वहीं निफ्टी 14,550.05 के स्तर पर खुला है। एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है, दोनों के दाम में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। मोबाइल ऐप के माध्यम से लोन देने और फिर ठगी के मामले सामने आने के बाद आरबीआई ने बड़ा कदम उठाया है, बैंक ने ऐसे मामलों को देखने के लिए एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। पीएमएफएआई ने केंद्र सरकार से बजट में कीटनाशकों पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 5% करने की मांग की है। आयकर विभाग ने ई असेसमेंट प्रोग्राम के तहत की गई पेनल्टी की सिफारिश से जुड़े मामलों के लिए फेसलेस पेनल्टी स्कीम शुरू कर दी है। महिंद्रा और महिंद्रा लिमिटेड ने अपनी नॉर्थ अमेरिकी यूनिट में आधे से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने 18 जनवरी को अपना आईपीओ लाने का फैसला लिया है, कंपनी ने इसकी प्राइस ब्रांड 25 से 26 रुपए तय की है।
तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने एलपीजी तत्काल सेवा शुरू करने का प्लान बनाया है। ये सेवा 1 फरवरी से शुरू हो सकती है। इसके जरिए आधे घंटे में गैस सिलेंडर की डिलीवरी हो जाएगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में केंद्र सरकार 10% हिस्सेदारी बचेगी। सरकार ये हिस्सेदारी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेचेगी। 2 महीने की मामूली बढ़त के बाद नवंबर में औद्योगिक उत्पादन फिर गिर गया है। नवंबर में औद्योगिक उत्पादन में 1.9% की कमी आई है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,18,826 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 9,27,00,000 के पार पहुंच गई है। ब्रिटेन में कोरोना का कहर जारी है। बीते 24 घंटों में 47,525 नए केस सामने आए हैं और 1,564 लोगों की मौत हो गई है। चीन में कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए आज WHO की टीम वुहान पहुंच गई है। पाकिस्तान सरकार ने चीन की सायोन फार्म वैक्सीन खरीदने का फैसला कर लिया है। जानकारी के मुताबिक फरवरी तक 12,00,000 डोज पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दूसरे महाभियोग प्रस्ताव के पास कर दिया गया है। ट्रंप के महाभियोग प्रस्ताव पर पक्ष में 232 और विपक्ष में 197 वोट पड़े। यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि अमेरिका में कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, राष्ट्रपति भी कानून से ऊपर नहीं है। महाभियोग के बाद ट्रंप ने कहा कि वह हिंसा के पक्ष में नहीं है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि मेरा सच्चा समर्थक कभी भी राजनीतिक हिंसा नहीं करेगा। गूगल ने 21 जनवरी तक राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। कंपनी ने यह कदम अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद उठाया है। YouTube ने भी आपत्तिजनक और भड़काऊ कंटेंट के चलते डोनाल्ड ट्रंप के कुछ वीडियोस को हटा दिया और 1 हफ्ते के लिए उनका चैनल भी सस्पेंड कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीन को नेपाल की राजनीति से दूर रहने की हिदायत दी और भारत को सबसे करीबी सहयोगी बताया। हाल ही में कॉमेडियन डैनियल फर्नांडिस ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मजाक उड़ाया था, जिसके बाद फैंस के भड़कने पर अब डैनियल ने फैंस को लिखित में माफी मांगी है। नोरा फतेह अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें नोरा अपनी करोड़ों की ज्वेलरी और ड्रेस को फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही है। साथ ही ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अनन्या पांडे हैप्पी न्यू यू कैंपेन से जुड़ चुकी हैं, जिसके लिए अनन्या बोली, शिक्षा ही लड़कियों की जिंदगी बदल सकती है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स ने शॉर्ट फिल्म और वेब सीरीज के नॉमिनेशन अनाउंस किए हैं। इस लिस्ट में प्रतीक गांधी की स्कैम 1992 भी शामिल है। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और उनके पति विराट ने मुंबई की पेपराजी को मैसेज भेजा है। मैसेज में लिखा है, हमारी बेटी की फोटो ना खींचे, हमारे ये सबसे ज्यादा गुजारिश है। अजहरुद्दीन ने 37 बॉल पर जड़ा शतक, जिससे अजहरुद्दीन T20 इतिहास में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। ब्रिस्बेन टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित हुई है, जिसके बाद प्लेइंग 11 में सिर्फ एक बदलाव हुआ है कि चोटिल पुस्वोकी की जगह मार्क्स हैरिस ओपनिंग करेंगे। भारत के पास ऑस्ट्रेलिया से लगातार तीसरे टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है, क्योंकि ब्रिस्बेन में मेजबान 32 साल से नहीं हारे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारत स्पिनर्स काफी सफल हो रहे हैं, क्योंकि भारतीय स्पिनर्स ने 42%, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 25% ओवर फेंके हैं। थाईलैंड में बैडमिंटन ओपन खेला जा रहा है, जिसमें साइना और श्रीकांत दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं, लेकिन कश्यप और समीर के बाद अब प्रणॉय भी बाहर हो गए हैं। तो चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमसे बने रहें। नमस्कार।